सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकि गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। रिया के रक्षकों का राज पूरा देश जान गया, और जिन लोगों ने रिया को मासूम बताकर सुशांत की मौत का मजाक बनाया, कल हमारा देश ने उनका संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। रिया बोलेगी, राज खोलेगी, वो बिल्कुल सही कह रहे और कर रहे। रिया ने राज खोला, और सुन लो परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस रिया को क्यों बचा रही थी, रिया ने ये राज कल खोला। सुशांत सिंह राजपूत के लिए वीडियो बनाते बनाते सालों बीत गए, लगातार 28 साल से सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर रहे हैं, और आज भी सुशांत के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि शायद लगता है कि आगे पता नहीं हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर पाएं या नहीं कर पाएं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाए, जहां पर इस मामले को 28 साल बीत चुके हैं, कल जब एक फ़ोटो पर नज़र गई तो लगा कि आखिरकार क्या इस मामले में जस्टिस की बात जो निकल के आ रही है लगातार कुछ टाइम से, लगातार इस मामले में बड़े बड़े जो लोग बयान दे रहे हैं, जैसे बड़े पॉलिटिशियन हों या फिर इस मामले के गवाह रूप कुमार शॉ जी हों, इनके बयान सुनने के बाद लगता था कि अब इस पूरे मामले में कुछ बड़ा निकल के आने वाला है, लगता था कि इस पूरे मामले में अब कुछ बड़ा सच निकल के आएगा। पर क्या पता था कि एक फ़ोटो देखने के बाद सिर्फ उंगली अपने मुँह में रखने को मन कर जाएगा, क्यों, आखिरकार एक फोटो आपके सामने दिख रही होगी, इस फोटो में जो कुछ आपको दिख रहा है वो आपको बयां करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस फोटो में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। और ये फोटो देखने के बाद शायद मुझे ये लगता है कि अपनी उंगली का सबसे अच्छी तरीके से यूज करना है तो उंगली को सीधा करो और अपने मुंह पर रख लो बस, क्योंकि एक फोटो ने आज ये करने पे मुझे मजबूर कर दिया। अन्ना यही बात तो कह रहे हैं कि देखो आज जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, आप उसको ड्रगिस्ट बोल दो, आप उसको बोल दो कि उसको चाय से डर लगता था, आज उसको बोल दो कि वो मिल्टू गैंग इंसिडेंट से बहुत परेशान था, वो ड्रग्स लेता था, आप जितने इल्जाम, संजय जी मेरी बात सुनिए, आप भी सीबीआई नहीं है, आप भी सीबीआई नहीं है, मानवता को शर्मसार मत करिए, ये चैनल जो है ना, ये चैनल और अपना शो बहुत लोग देखते हैं, सुशांत का परिवार, संजय जी सुशांत का परिवार बैठ के ना पूछता है बाबा तबीयत कैसा है, उनकी बहनें ना आर्टअप की फोटो लगा के शो पर कहती है कि ये हमारा हीरो है, मेरी मां भी नहीं है, आप भी सुप्रीम कोर्ट है, आप सुशांत के फैन हो, सुशांत मेरे सपने में आए थे, संजय जी सुशांत मेरे सपने में आए थे, और मेरी बात आप सब लोगों को एक्सपोज करना है, आप सब लोगों को एक्सपोज करने के लिए सुशांत ने कहा कि मेरे सपने में आए थे, और उन्होंने कहा कि संजय जी अगर आएंगे तो संजय जी से जरूर पूछना कि संजय जी आपने मुझे ड्रग्स लेते हुए देखा था, संजय जी आपने ड्रग्स लेते हुए देखा था, रिया चक्रवर्ती दो कौड़ी की लड़की होती कौन है, दो कौड़ी की लड़की होती कौन है, सुशांत को ये बोलने वाली की वो ड्रग्स लेते हुए उनके परिवार की उनकी नहीं बनती थी, ये रिया को पता है, सिर्फ रिया को ही पता है और किसी को नहीं पता, सुशांत के दोस्तों को नहीं पता, रिया चक्रवर्ती ने आपने चरस गांजा लेते हुए देखा, आपने सुशांत को चरस गांजा लेते हुए देखा, आपने चरस गांजा लिया, आप भी सुशांत के साथ बैठे थे क्या, आप यहाँ पे ले रहे थे, आप भी चरस ले रहे थे, आप भी चरस ले रहे थे, ओ वेरी गुड, सुशांत की बहनें किसी की बहनें नहीं है, सुशांत की बहनें जो है वो उनके पिता की बेटी है, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड मत खेलिए उस महिला के लिए, षड्यंत्री महिला के लिए, कौन सा प्रूफ है कि वो चरस लेता था, कौन सा प्रूफ है कि गांजा लेता था, क्यों बोला उसको कि वो चरस लेता था, मरने के बाद किसी लड़के के बारे में क्यों बोली गई ये बात, क्योंकि ये तो पता नहीं है, मैं तो बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, तो अच्छा हुआ मैंने कोई ऐसी पार्टी नहीं ज्वाइन की, ऐसी पार्टी नहीं ज्वाइन की, जो ताहिर हुसैन का इंटरव्यू लेते हो, गिलानी का इंटरव्यू लेते हो, सुनिए जा रहे आपने तो जाके उसके साथ हाथ मिलाया है, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सुनिए मेरी बात, क्या ही आपके बारे में क्या ही बोला जाए, आपकी पार्टी के बारे में क्या ही बोला जाए, मुझे वाले पिताजी बैठ नहीं जाना है, सुशांत को चरस गांजा लेते किसी ने देखा था, और अगर चरस गांजा नहीं लेते रिया की हिम्मत कैसे हुई, रिया की हिम्मत कैसे हुई, क्यों नेशनल टेलीविजन पे किसी के मरने के बाद ये बात कह रही है, रिया चक्रवर्ती है कौन, सुशांत के पैसों पे पलने वाली 2% की लड़की है कौन, घटिया लड़की है, घटिया लड़की, मक्कार लड़की, सुशांत की बहनों के बारे में बिल्कुल है, बिल्कुल है, लगातार हम ढूंढ रहे थे सोशल मीडिया पर कि सुशांत केस में कोई अपडेट निकल के आई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं लगातार वो कभी मैसेज करते हैं, कभी हम देखते हैं ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं, तो हम भी उनके बारे में सर्च करते रहते हैं कि आखिरकार क्या सुशांत केस में कुछ अपडेट निकल के आ रही है, अगर कुछ आ रही है तो आपके सामने ला के रखें, पर अपडेट तो निकल के नहीं आई, पर एक फ़ोटो निकल के आई जिस फोटो ने बहुत सारी चीज़ें बयां कर दी, जहाँ पर हमने देखा था कि 22 दिसंबर 2022 को दिशा केस में एसआईटी गठन की बात हो रही थी, आज उसका भी जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूप कुमार शॉ जी के निकल के आने के बाद लग रहा था इस मामले में अब तेजी आएगी, जो उस दिन मॉर्चरी में मौजूद थे, जो उस दिन पीएम होने के वक्त वहां मौजूद थे, जिनके बड़े बड़े दावे निकल के आ रहे थे, क्या उनके बयान का कोई महत्व नहीं रह गया, एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है यहाँ पर। और साथ में अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए,
जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह दावा करा था कि सीबीआई के पास फाइल जा चुकी है, सीबीआई 302 केस रजिस्टर्ड कर सकती है, पर सीबीआई भी हमारे देश की जो एजेंसी है वो भी पीएमओ के अंडर में आती है और जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो फाइल आगे नहीं जाएगी और फाइल में कौन सी धारा लगेगी वो भी तब तय होगा जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऐसा कहना था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का। उनके लगातार इस मामले में बयान कई सारे निकल के आए थे। उनका एक बयान ये भी था कि अगर इस पूरे मामले में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लाती है तो हम कोर्ट तक जाएंगे, और उन्होंने कई और बयान दिए थे जिसमें उनका साफ साफ कहना था कि इस मामले में हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो 302 की ओर जाती हुई नज़र आ रही है, ये भी उन्हीं का कहना था। पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट डाल देती है और बोलती है इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं मिला, ये सिंपल मामला सुसाइड का मामला है, तो क्या ये मामला बंद हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मामले में रूप कुमार शौ जी का जो बयान निकल के आया उस बयान के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई अगर इस पूरे मामले को एक क्लोजर रिपोर्ट दे भी देती है तो दोबारा से उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि रूप कुमार शौ जी का बहुत बड़ा बयान है इस पूरे मामले में। पैर की हड्डी टूटने से लेकर कई जो उनके बयान निकल के आए हैं उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सुशांत केस में 2.5 साल से बातें बहुत सारी निकल के आईं, चीज़ें बहुत सारी निकल के आईं, बड़े बड़े लोगों को देखा गया जिन्होंने बयान बहुत बड़े बड़े दिए, पर आज उन बयानों का क्या हुआ, आज उन बातों का क्या हुआ? क्योंकि 2.5 साल के बाद एक फ़ोटो को देखने के बाद जब लगे कि उंगली हमें अपने मुँह में रख लेनी चाहिए, उंगली को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल चुप होकर बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें हमको 2.5 साल से दिख रही थी कि इस मामले में कुछ बड़ा निकल के आने वाला, कुछ बड़ा निकल के आएगा, और आज एक फ़ोटो ने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे। तो देखने वाला विषय है कि क्या कुछ निकल के आएगा, क्या इस बारे में हम आपसे बात और करें या ना करें, क्योंकि बात बहुत सारी हैं पर इन फ़ोटो को देखने के बाद समझ नहीं आता कि आगे आपके सामने क्या चीज़ें ला के रखें, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ बड़ा निकल के नहीं आता। पिछले कुछ टाइम से लगातार सर्च कर रहे हैं तो उसके बाद भी कुछ भी निकल के नहीं आने का मतलब साफ है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं क्या वो कभी बाहर आएंगी भी? आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार। जय हिंद।